हेलो भाई लोगों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी से एक और न्यू वीडियो में। लो भैया स्टार्ट करो, थोड़ी देर बना लो बैठ के, बाद में स्टार्ट करना। ना कोई दिक्कत ना है, वो स्टार्ट करो पहले। अभी अपनी टाटा टियागो के लिए हम लोगों ने मंगाई है एक बहुत ही मतलब जो मोस्ट रिक्वायर्ड एक्सेसरीज थी हमारी इस कार के लिए, जो कि भाई बहुत ज़्यादा, एक तो ये बार बार मुझे थोड़े झटके हों ये खुल जाता है। तो भाई लोग वो एक्सेसरी हम लोगों ने मंगाई है अभी, और मतलब बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब इंस्टॉल करें, टाइम मिल नहीं पा रहा था। नहीं आगे चलो, अभी इधर इस तरफ ले रहे हैं, आम के बगीचे में निकलते ना, इसमें पहुँचाएंगे, देख लें उधर। चलो देख लो, चलो तो भाई लोग वो एक्सेसरी हम लोगों को इस कार में इंस्टॉल करनी थी, और इंस्टॉल कर बस अभी दिखाते हैं आपको बिल्कुल एकदम। हाँ सही है, पहुँच चलो। तो भाई लोग ऐसी सी जगह पर जाते हैं ना मतलब वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी होता है ना तो डिस्टर्ब करता है, तो फिर वीडियो अच्छी बन नहीं पाती उतनी। तो भाई लोग अभी जा रहे हैं हम लोग, जो एक्सेसरी हमने मंगाई है इस कार के लिए वो आपको दिखाते हैं। तो भाई ये है इसकी एटमॉस्फेयर लाइट, देख सकते हैं आप लोग, ऐसी कुछ आती हैं ये। तो ये एटमॉस्फेयर लाइट हमने इस कार के लिए मंगाई है अपनी। और अगर बात करें इनके परफॉर्मेंस की, तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका, क्योंकि हम इनको दो कारों में यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या हमारा इसका लुक है जो हम इसमें लगाने जा रहे हैं एक्सेसरी। देखिए भाई लोग, पीछे चार्जिंग पोर्ट नहीं है, पीछे नहीं है इसमें, ये जगह दी हुई है इसमें चार्जिंग पोर्ट की, लेकिन पोर्ट नहीं दिया गया है। तो भाई लोग ऐसी कुछ लाइट्स आती हैं इसमें, इसको रखते हैं साइड में और दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ ये इसके कागज हैं गाड़ी के। तो देखो भाई इसको हमने पहले से इस पे 3M टेप अच्छा वाला लगा के इसको इसकी डिब्बी को सेट कर लिया था। ये एक तरह से IR का काम करती है, जो इसका होता है ना, इससे कनेक्शन वगैरह पूरा जाता है कि कैसे क्या जलेगी कैसे नहीं। तो पूरा इसका मदरबोर्ड इसमें होता है एक तरह का, और ये होती है रिमोट की मतलब कनेक्शन के लिए, जिससे रिमोट पूरा जो भी मतलब कनेक्शन होता है ना रिमोट से, जो भी हम काम करते हैं वो यहाँ से होता है। और बाकी वायरिंग आप देख लो इसकी, ऐसी कुछ आती है ये होता है इसमें, ये सिंपली बस ऐसे ही डायरेक्ट हमारे इसमें जाके ऐसे करके लग जाएगा और बस लाइटें जलना शुरू। जैसे लग गया है अभी, इसको ऑन करेंगे यहाँ से और ये देखिए लाइटें जलना शुरू। तो अभी क्या करते हैं, अभी सबसे पहले इसको करते हैं इंस्टॉल। चलो भाई शुरू करते हैं। ये हमारे इधर का एरिया पा गए, वहाँ पर आए हम लोग, और ये अपनी कार खड़ी है, दिखाते हैं आप लोगों को ये लाइट्स हैं, ये हम अभी इसमें लगाने वाले हैं। वायरिंग इनकी मतलब थोड़ी ऐसी रहती है, बट जो इनका लास्ट में परफॉर्मेंस निकल के आता है वो बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। इसमें देखिए ये होती है फ्रंट में लगने के लिए, जो दो लाइटें हैं जिनकी तार छोटी होती है ये फ्रंट होती है, जिनकी वायरिंग लंबी होती है वो बैक साइड में जाती हैं। तो भैया अभी कर रहे हैं इसको पूरा तैयार लगाने के लिए। इस तरफ से निकालने के लिए हमें इसमें देख रहे थे कि इसमें शायद निकल जाए, बट इसमें जगह ही नहीं दी गई है। देखो हाँ आ गई। तो भाई इसको अभी निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो देखो भाई लोग, ये यहाँ से इस तरह से लाइट हमने खींच ली है। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे सेटल, क्योंकि इसमें से निकालने थे बट इसमें निकल नहीं थी, तो इसको हमें यहाँ से निकालना पड़ा। अब इसको यहाँ पे स्ट्रिप करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि ये तार इसका जो है ना वायरिंग, ये पैर में ना अड़े और कोई ऐसी मतलब इस टाइप की दिक्कत ना आए। तो इस तरह इसको लगाते हैं, इसके 3M टेपिंग छुटा के और इसको फिक्स करने वाले हैं। इसका वायरिंग पूरा ऊपर से छुटा ली, मतलब ऊपर से निकाली है, जिससे कि बिल्कुल कहीं पे भी टच ना हो। तो भाई हो चुकी है इसकी फ्रेमिंग, और ठीक है हो गई डन। टाइट करना हल्का तार, अभी लो देखो भाई लोग, ऐसा कुछ आता है इसका लुक यहाँ से, और ये तार आया बिल्कुल ऊपर से। या ये देखो, मतलब कि पैरों से और क्लच से ब्रेक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब इधर भी ये लाइट लग चुकी है, और इस तरफ की भी लाइट चिपका रही है देखिए। और अब क्या कर रहे हैं, जो पीछे वाली लाइट्स हैं उनको एक इस तरफ से निकाला है हमने ड्राइवर साइड से, एक पैसेंजर साइड से ही रहेगा। और इसको अभी इसके नीचे पूरी वायरिंग हाइड करके और इसको पीछे तक पहुँचाना है। अभी जैसे भैया पहुँचा रहे हैं इस तरफ से, तो इसको पीछे तक पूरा पहुँचाना है। सीट के नीचे ले जा रहे हो? ओके भाई, तुम सोच रहे ऐसे चार और ले लो और टायरों के ऊपर लगा दें, टायरों पर रहेगी लाइट वो मस्टैंग वाली, बिल्कुल बन जाएगी मस्टैंग GT। यार यहाँ पे इसी में लगेगा, इसमें सीट में चिपकेगा, नीचे इंगल ही नहीं है। इंगल ही नहीं है नीचे, इंगल नहीं होगा इसमें, सीट में ही चिपकता है। हाँ जी सीट में ही चिपकेगा इसमें, हमारी वाली में भी सीट में ही चिपके थी ये। हमारे इंगल है हाँ।
भाई अगर इसमें लोहे वगैरह का एंगल हो पीछे तो बहुत अच्छी चिपक जाती, वरना अगर ऐसे सीट उट में लगाए तो थोड़े दिन बाद ये छूटने लगती हैं, फिर इनका कोई देसी सा इलाज करना पड़ता है। भाई देखो अभी लाइट्स वगैरह फाइनल हो चुकी हैं पीछे की दोनों तरफ की, अब इसको करते हैं ऑन और देखते हैं जरा कि कैसी जलती हैं। वो लगाओ जरा, वो पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा है। अभी इसको देते हैं कनेक्शन डायरेक्ट इससे और फिर देखते हैं जला के कैसी जलती हैं। पूरी ना सेट हो सीट अच्छा, ये जहाँ तक जाना है फाइनल कर दें एक ही बार में। चलो अब इसको जला के देखते हैं कैसी जलती हैं लाइट और कैसी लगती हैं इस छोटी सी गाड़ी में। तो भाई लोग लाइट्स आप देख रहे हो जैसे कि जल चुकी है, मस्त। हाँ पैरों लग रही है बढ़िया, ऐसे मस्त लग रही पैरों। अब पीछे के दिखाते हैं देखो, देखो भाई लोगों ऐसा कुछ लुक आता है इनका। और अगर जरा सिंगल कलर करना उससे रिमोट से, रिमोट आगे रखा होगा इसमें डैशबोर्ड में। अभी कुछ सिंगल कलर करके दिखाते हैं आप लोगों को, ये मतलब जैसे ऐसे चमकीले कोई नहीं रखेगा बट सिंगल कलर में कैसी लगेगी। वाइट करना, वाइट हो गया, वाइट हो गया। देखो भाई लोगों वाइट में ऐसा कुछ लगेगा, रेड है ये, वाइट ग्रीन दिखाना रिमोट, ऐसा कुछ रिमोट इसके साथ मिलता है, इसमें सारे कलर आते हैं। और ये आता है इसमें वॉइस कंट्रोल वाला, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमारी वॉइस के हिसाब से या गाने की वॉइस के हिसाब से ये चलने लगेंगे। इसमें भी हमें चार ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी लाइट्स वगैरह सब लग चुकी है यहाँ पे, ये देखिए तार वगैरह सब हाइड है पूरी तरह से, कहीं भी कोई पैर नहीं लगता है। और बस ये वाली वायरिंग है जो कि हमें, अब इसका क्या ज़रूरत है कि इसमें हमें इसको आराम से निकाल के रख भी सकते हैं और इसको वापस भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको आउटर रखा है, वरना इसको भी हाइड कर देते। लेकिन उसके लिए कनेक्शन अंदर से करना पड़ता है इसका डैशबोर्ड खोल के, तो वो कर किया नहीं हम लोगों ने, नई गाड़ी है तो इस चक्कर में। बाकी भाई लाइट्स इस तरफ की भी देख लो, कहीं पर भी कोई तार विजिबल नहीं है, यहाँ पर ये पीछे से तार गया है पीछे तक, लेकिन कोई भी तार विजिबल नहीं है यहाँ पर भी। और पीछे के आप लोगों को दिखाएं तो यहाँ पर ऐसा कुछ आता है, कोई भी कहीं से भी लाइट्स कुछ भी दिखाई नहीं देती है। तो भाई ऐसा कुछ थी हमारी एटमॉस्फेयर लाइट इंस्टॉल करने की पूरी प्रक्रिया। और मतलब यहाँ पे बैठने के बाद में हमें तार वगैरह शो नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ होती है मेरी।